टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है, बंगाल की पहचान को भी खतरा है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है, बंगाल की पहचान को भी खतरा है। आज पूरा देश बंगाल की स्थितियों को लेकर बहुत चिंतित है। बंगाल में आए दिन हिंसा होती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती है, झारग्राम में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है? टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में बंगाल के लोगों की आबादी घट रही है। आप मुझे बताइए, घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, एक किसकी जमीन पे कब्जा करते हैं? हमारे दलित, हमारा पिछड़ा, हमारे आदिवासियों की जमीन पर ये कब्जा करते हैं। भाइयों बहनों, टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है, बंगाल की पहचान को भी खतरा है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है, बंगाल की पहचान को भी खतरा है। आज पूरा देश बंगाल की स्थितियों को लेकर बहुत चिंतित है। बंगाल में आए दिन हिंसा होती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती है, झारग्राम में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है? टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में बंगाल के लोगों की आबादी घट रही है। आप मुझे बताइए, घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, एक किसकी जमीन पे कब्जा करते हैं? हमारे दलित,
हमारा पिछड़ा, हमारे आदिवासियों की जमीन पर ये कब्जा करते हैं। भाइयों बहनों, टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है, बंगाल की पहचान को भी खतरा है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है, बंगाल की पहचान को भी खतरा है। आज पूरा देश बंगाल की स्थितियों को लेकर बहुत चिंतित है। बंगाल में आए दिन हिंसा होती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती है, झारग्राम में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है? टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में बंगाल के लोगों की आबादी घट रही है। आप मुझे बताइए, घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, एक किसकी जमीन पे कब्जा करते हैं? हमारे दलित, हमारा पिछड़ा, हमारे आदिवासियों की जमीन पर ये कब्जा करते हैं। भाइयों बहनों, टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है, बंगाल की पहचान को भी खतरा है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है।